एबीपी न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे कल शाम महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं उनकी रैली से पहले पार्टी के नेताओं ने इस बात से इनकार किया है कि भविष्य में संभावित गठजोड़ के लिए भाजपा के साथ कोई चर्चा चल रही है, तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भाजपा और मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दोनों पार्टियों के हिंदुत्व को फर्जी बताया है। इसी बीच रंकापा प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आधिकारिक आवास वर्षा पर उनसे मुलाकात की और राज्य में हाल के राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की। तो उधर शरद पवार ने कोरेगांव भीमा जांच आयोग के समक्ष एक अतिरिक्त हलफनामा दायर कर कानूनी सुधारों का सुझाव दिया है, जिसमें राजद्रोह का मुद्दा प्रमुख है। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे कल यानी रविवार की शाम महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तकरीबन एक सप्ताह पहले जब उन्होंने पुणे से इस जनसभा के बारे में ऐलान किया था, तब से ही महाराष्ट्र की सियासत में हलचल बढ़ गई थी। शुक्रवार को दोपहर बाद राज ठाकरे की रैली को इजाजत मिली। कुछ दिन पहले एक बयान देकर उन्होंने तमाम मस्जिदों को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि आगामी 3 मई तक सभी लाउडस्पीकर हटा लिए जाए, वरना मस्जिदों के बाहर मनसे कार्यकर्ता लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। राज ठाकरे की इस चेतावनी के बाद महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद भी अपने चरम पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र सरकार ने खुद को सुरक्षित रखते हुए ये कहा कि वो किसी को भी लाउडस्पीकर लगाने या फिर हटाने के लिए नहीं कह सकते, ये उनका काम नहीं है। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने लाउडस्पीकर के मुद्दे पर बीजेपी के पाले में गेंद डालते हुए ये भी कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को नियम बनाने चाहिए ताकि वो सभी राज्यों के लिए समान रूप से लागू हो। एक तरफ महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अदालती आदेश का पालन करवाते हुए राज्य की कई मस्जिदों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने का फरमान जारी कर दिया है। उनके आदेश के बाद कई जगह पर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए भी गए। उत्तर प्रदेश सरकार की तत्परता पर राज ठाकरे ने भी दिल खोलकर योगी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं बल्कि भोगी है। मस्जिदों में लाउडस्पीकर के मुद्दे पर कल रविवार को औरंगाबाद में मनसे प्रमुख राज ठाकरे की रैली से पहले उनकी पार्टी के नेताओं ने इस बात से इनकार किया है कि भविष्य में संभावित गठजोड़ के लिए भाजपा के साथ कोई चर्चा चल रही है। मनसे नेता नितिन सरदेसाई ने कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी गठबंधन के लिए भाजपा के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। एक अन्य प्रमुख मनसे नेता बाला नांदगांवकर ने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है कि कोई चर्चा चल रही है या नहीं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मनसे के साथ गठबंधन के लिए न तो कोई चर्चा हुई है और न ही कोई औपचारिक प्रस्ताव आया है, सब कुछ अटकलों के दायरे में है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे ने कहा कि भाजपा और मनसे के बीच गठजोड़ इस देश की जनता तय करेगी, राजनेताओं के हाथ में कुछ भी नहीं है। इसी बीच एक रिपोर्ट के मुताबिक औरंगाबाद के AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील ने कल राज ठाकरे को इफ्तार पार्टी के लिए आमंत्रित किया ताकि पिछले कुछ दिनों से अनशन चल रहे माहौल को कम करने के लिए शांति और सद्भाव का संदेश दिया जा सके। मनसे प्रमुख राज ठाकरे की रैली पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे ने जितनी बार अपना रुख बदला है, ये PhD के एक अच्छा विषय है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भाजपा और मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दोनों पार्टियों के हिंदुत्व को फर्जी बताया है। उन्होंने शिवसेना से भाजपा और मनसे का सामना आक्रामक तरीके से करने के लिए कहा है। उद्धव ने कल शिवसेना प्रवक्ताओं के साथ बैठक की थी। एक रिपोर्ट के अनुसार उद्धव ने मनसे प्रमुख से सवाल किया है कि जब बाबरी मस्जिद को गिराया जा रहा था तब वो कहां थे। इससे पहले भी उद्धव ठाकरे ने कहा था कि राज्य की पार्टी और भाजपा बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय छिप गई थी। CM ठाकरे ने विपक्ष को नियो हिंदू बताया है। पार्टी नेता संजय राउत ने कहा कि हमें आक्रामक होकर विपक्ष का सामना करने के लिए और ED CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों के मामलों या कार्रवाई में नहीं फंसने के लिए कहा गया है। इस दौरान राउत ने एक बार फिर हिंदू OBC का मुद्दा उठाया है और कहा कि विपक्ष हिंदू वोट काटने के लिए शिवसेना के खिलाफ हिंदू OBC का इस्तेमाल कर रही है। लोग जानते हैं कि हिंदू OBC कौन है। उद्धव साहेब ने कहा है कि जो लोग हिंदुत्व की धुन बजा रहे हैं वे सभी फर्जी और नियो हिंदू है। जिन लोगों ने जिंदा रहते बाला साहब को परेशान किया वे अब आ रहे हैं और हिंदुत्व को लेकर सेना से सवाल कर रहे हैं। शिवसेना ने 14 मई को मुंबई में महारैली निकालने का फैसला किया है। उस दौरान CM ठाकरे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उद्धव 8 जून को मराठवाड़ा क्षेत्र भी पहुंचेंगे। खास बात है कि कोविड के चलते 2 सालों के बाद उद्धव की ये पहली बड़ी सियासी रैली होगी।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आधिकारिक आवास वर्षा पर उनसे मुलाकात की और राज्य में हाल के राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की। सूत्रों ने बताया कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने राणा दंपति से जुड़े विवाद और राज ठाकरे की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग समेत अन्य मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा की। कहा जा रहा है कि राज ठाकरे के पास भेजे गए दूतों के बावजूद वो किसी की सुनना नहीं चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार ये बैठक भाजपा नेता आशीष शेलार के उस दावे की पृष्ठभूमि में भी हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा 2017 में राकांपा के साथ हाथ मिलाने वाली थी, लेकिन राकांपा ने मांग की थी कि वो पहले शिवसेना के साथ अपने संबंध तोड़े जो उस समय भाजपा का सहयोगी दल था। सूत्रों की माने तो शिवसेना नेतृत्व इस बात से नाराज है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने भाजपा नेता आशीष शेलार के इस दावे का खंडन नहीं किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री रहे सुधीर मुनगंटीवार ने आशीष शेलार के दावे की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि आशीष शेलार के बयान में तथ्य है क्योंकि मैं खुद सभी घटनाक्रमों का गवाह रहा हूं। साल 2017 में शिवसेना का साथ छोड़ राकांपा के साथ गठबंधन न करना भाजपा की चूक थी जिसका आप प्रायश्चित हम कर रहे हैं। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद से एक बार फिर इस कानून पर बहस छिड़ गई है। इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कोरेगांव भीमा जांच आयोग के समक्ष एक अतिरिक्त हलफनामा दायर कर कानूनी सुधारों का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को निरस्त कर दिया जाना चाहिए और इसकी जगह पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को फिर से शामिल करना चाहिए। शरद पवार ने अपने हलफनामे में यह भी कहा है कि आईपीसी की धारा 124A का दुरुपयोग अक्सर उन लोगों के खिलाफ किया जाता है जो सरकार की आलोचना करते हैं। पवार ने कहा है कि जो लोग शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाते हैं उनकी आवाज इस धारा की आड़ में दबा दी जाती है, लिहाजा इस कानून को निरस्त किया जाना चाहिए। अपने अतिरिक्त हलफनामे में उन्होंने दोहराया है कि उन्हें 1 जनवरी 2018 को पुणे में कोरेगांव भीमा युद्ध स्मारक पर हुई घटना के लिए जिम्मेदार कारणों के बारे में कोई जानकारी या सूचना नहीं थी। पुणे पुलिस के अनुसार 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव की 1818 की लड़ाई की 200वीं बरसी के दौरान पुणे जिले में युद्ध स्मारक के समीप जातीय समूहों के बीच हिंसा भड़क उठी थी। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल भी हो गए थे। कोयले की कमी और गर्मी के कारण बढ़ती मांग से बिजली संकट गहराता जा रहा है। राहुल गांधी ने इसे लेकर केंद्र को कटघरे में खड़ा किया तो केंद्रीय मंत्री ने पलटवार किया कि राहुल गांधी आंकड़ों को नहीं समझते हैं क्योंकि वो मूर्ख है। वहीं सितंबर अक्टूबर में रिक्त होने वाले राज्यपालों और उपराज्यपाल के कुछ पदों पर नियुक्तियों को लेकर राजनीतिक सुगबुहाट शुरू हो गई है। इसी बीच सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और चीफ जस्टिस की जॉइंट कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें कोर्ट में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। तो उधर ढूंढीराज गोविंद फाल्के के परिजनों को रोष है कि देश के इतने बड़े मनोरंजन उद्योग की नींव डालने वाले दादा साहब फाल्के को भारत सरकार ने अब तक भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया है। देशभर इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कोयले की कमी और गर्मी के कारण बढ़ती मांग से बिजली संकट गहराता जा रहा है। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में आंध्र प्रदेश तक के देश के 18 राज्यों में लोगों को 12-12 घंटों तक बिजली कटौती झेलनी पड़ रही है। यूपी के विद्युत उत्पादन केंद्रों कोयले के भारी कमी होने के कारण लगातार बिजली कट रही है। वहीं बिजली कटौती से नाराज पंजाब के किसानों ने अमृतसर में राज्य के बिजली मंत्री हरभजन सिंह के घर के सामने प्रदर्शन किया। जम्मू में डिमांड से आधी ही सप्लाई है इसलिए हर आधे घंटे में कटौती हो रही है। कश्मीर में बिजली कटौती ने पेयजल का संकट खड़ा कर दिया है। उत्तराखंड एमपी और झारखंड में भी लगातार बिजली कटौती हो रही है। इस कारण सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के विधायकों पर जनता का दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में कोई जनता से माफी मांग रहा है तो कोई ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर कर रहा है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी सपा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के विधायक जिलों में बिजली केंद्रों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। संत कबीर नगर की घनघटा सीट से बीजेपी विधायक गणेश चौहान ने सोशल मीडिया के जरिए खराब बिजली व्यवस्था पर जनता से माफी मांगी है। उन्होंने जनता से कुछ समय दिए जाने की दरख्वास्त करते हुए जल्द ही समस्या सुलझाने का आश्वासन दिया है। तो पीलीभीत की पूरनपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को चिट्ठी लिखकर अपने क्षेत्र में खराब बिजली सप्लाई पर नाराजगी जताई है। कमोबेश यही हाल प्रदेश के ज्यादातर जिलों का है। बिजली कटौती से यूपी के लोगों को 1 मई से कुछ राहत मिल सकती है।
देश कोयले की कमी से जूझ रहा है, बिजली संकट गहराता जा रहा है। इसी बीच विपक्ष भी केंद्र पर हमलावर है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इन दिनों नकली ज्योतिषी बन गए हैं। उन्हें देश में कोयले की कमी के कारण क्या होने वाला है, इसके बजाय ये बताना चाहिए कि उनकी सरकार के दौरान कितना बड़ा कोयला घोटाला हुआ और इससे देश को कितना नुकसान हुआ। प्रहलाद जोशी की टिप्पणी कांग्रेस नेता के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार को नफरत का बुलडोजर चलाना छोड़कर बिजली संयंत्र चलाना चाहिए। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट पर कहा कि मैंने 20 अप्रैल 2022 को मोदी सरकार को कहा था कि उन्हें नफरत का बुलडोजर चलाना छोड़कर बिजली संयंत्र चलाना चाहिए। आज कोयले और बिजली के संकट ने पूरे देश में तबाही मचा कर रख दी है। ये संकट छोटे उद्योगों को नष्ट कर देगा जिससे बेरोजगारी और बढ़ेगी। छोटे बच्चे इस भीषण गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अस्पतालों में भर्ती मरीजों की जिंदगी दांव पर है। रेल और मेट्रो सेवाओं को रोकने से आर्थिक नुकसान होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। 2013-14 में कोयला उत्पादन 566 मीट्रिक टन था जो 777 मीट्रिक टन हुआ है। 2021-22 में ये 818 मीट्रिक टन हो गया है। लेकिन राहुल गांधी आंकड़ों को नहीं समझते क्योंकि वो मूर्ख है। अगर उन्हें भविष्यवाणियां करने का शौक है तो अपनी पार्टी के भविष्य के बारे में भी बताना चाहिए। सितंबर अक्टूबर में रिक्त होने वाले राज्यपालों और उपराज्यपाल के कुछ पदों पर नियुक्तियों को लेकर राजनीतिक सुगबुगाहट शुरू हो गई है। जिन राज्यपालों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम के राज्यपाल और अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल शामिल है। वहीं नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार अभी असम के राज्यपाल जगदीश मुखी के पास है। राज्यपालों की यह रिक्तियां राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के ठीक बाद होगी। जिन 5 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति संभावित है वह सभी पूर्वोत्तर के हैं। ऐसे में इन राज्यों की राजनीति को भी देखा जाएगा। राज्यपालों की नियुक्ति में राजनीतिक संदेश भी होता है जिसका सीधा असर चुनावी राजनीति पर पड़ता है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक केंद्र सरकार और भाजपा को लेकर मुखर रहे हैं। वह किसान आंदोलन के समय व अन्य मुद्दों पर भी केंद्र और भाजपा की आलोचना करते रहे हैं। ऐसे में उन्हें बीच में ही हटाए जाने की अटकलें भी चली, लेकिन सरकार ने उनके कार्यकाल को पूरा कराना ही उचित समझा। इसके पीछे राजनीतिक और सामाजिक समीकरण भी रहे हैं। 5 साल पहले राष्ट्रपति चुनाव के समय जिस तरह से बिहार के तत्कालीन राज्यपाल रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था, उसे देखते हुए इस बार भी कई राज्यपालों के नामों की अटकलें हैं। हालांकि इस दफा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अलग फार्मूला अपनाए जाने के संकेत है ताकि सामाजिक समीकरणों को साधने के साथ वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक संदेश भी दिया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और चीफ जस्टिस की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, केंद्रीय कानून मंत्री और सभी 25 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। इससे पहले यह कार्यक्रम 2016 में हुआ था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें कोर्ट में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इसमें देश के आम नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। आमतौर पर अदालती भाषा को समझने के लिए किसी विधि जानकार के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है और यह अदालत से आम लोगों के बीच की बढ़ती दूरी का एक कारण भी है। देश में 3.5 लाख कैदी अंडर ट्रायल है, इनके मसले को निपटाने पर जोर दिया जाए। मैं सभी मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के जजों से इस पर ध्यान देने की अपील करता हूँ। इससे पहले CJI NV रमन्ना ने कहा, न्याय का मंदिर होने के नाते अदालत को लोगों का स्वागत करना चाहिए। कोर्ट की अपेक्षित गरिमा और आभा होनी चाहिए। जनहित याचिका का गलत इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसे प्रोजेक्ट को रोकने और अफसरों को डराने के लिए व्यक्तिगत तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यह राजनीतिक और कॉरपोरेट विरोधियों के खिलाफ एक टूल बन गया है। कार्यक्रम की शुरुआत में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह कार्यक्रम सरकार और जुडिशियरी के बीच ईमानदार और कंस्ट्रक्टिव बातचीत का यह एक अनूठा मौका है। इससे लोगों को ठोस न्याय दिलाने में मदद मिलेगी। धुंडीराज गोविंद फालके को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। 30 अप्रैल 1870 को जन्मे फालके को बाद में सिनेमा के प्रशंसकों ने दादा साहेब फालके के नाम से पुकारा। हर साल 30 अप्रैल को उन्हें खूब याद किया जाता है, लेकिन उनके घर वालों को तकलीफ इस बात की है कि देश के इतने बड़े मनोरंजन उद्योग की नींव डालने वाले फालके को भारत सरकार ने अब तक भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया है। वे इस बात से भी दुखी दिखते हैं कि फालके पुरस्कारों के नाम पर हर साल नई नई दुकानें उग रही है। फालके पुरस्कारों के नाम पर लोग लाखों की वसूली कर रहे हैं और इसके चलते भारत सरकार से मिलने वाले सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब फालके पुरस्कार की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है।
दादा साहेब फाल्के के नाती चंद्रशेखर पुसालकर ने अपने नाना के जन्मदिन पर कहा कि मुझे मुंबई में बटने वाले दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स में खास मेहमान के तौर पर लोगों ने खूब आमंत्रित किया। मैंने देखा कि लोग पैसे लेकर ऐसे लोगों को अवार्ड दे रहे हैं जो उस काबिल नहीं। उसी के बाद से मैंने ऐसे किसी भी अवार्ड समारोह में जाना बंद कर दिया। दादा साहेब फाल्के के परिवार वाले खुद को भारत सरकार का ऋणी मानते हैं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत उनके नाम पर की गई। साथ ही कहा कि सरकार ऐसे अवार्ड को बंद करने की पहल करे तो मैं भी मदद जरूर करूंगा। भारत नेपाल बॉर्डर के भीखना ठोरी में नो मैंस लैंड पर नेपालियों ने जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है। तो रूस से विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा है कि 24 फरवरी से यूक्रेन से रूस में 10 लाख से अधिक लोगों को निकाला गया है। वहीं चीन से अच्छी खबर यह है कि वहां मेडिकल पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों को अपना कोर्स पूरा करने के लिए वापस चीन जाने का मौका मिल जाएगा। इस बीच यूक्रेन के हालात को लेकर अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान के प्रवक्ता जॉन किर्बी रो पड़े। रूंधे गले से उन्होंने यूक्रेन की जनता की पीड़ा को शब्द दिए। तो उधर सिंगापुर में भारतीय मूल के मलेशियाई तस्कर नागेंद्रन धर्मलिंगम की मौत की सजा दी गई है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। भारत नेपाल बॉर्डर के भिखना ठोरी में नो मेंस लैंड पर नेपालियों ने जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है। नेपाली क्षेत्र के सीताखोला के पास नो मेंस लैंड पर बैरिकेटिंग कर झंडे लगा दिए गए हैं। नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली ने जुलाई 2020 में बयान दिया था कि भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था। उन्होंने दावा किया था कि जिस अयोध्या में राम का जन्म हुआ था वह वीरगंज के पश्चिम में स्थित गांव ठोरी है। उन्होंने यहां मंदिर बनवाने की घोषणा भी की थी। इससे ठोरी का सीताखोला सुर्खियों में आ गया। लोग यहां पूजा पाठ करने लगे। माना जा रहा है कि स्थानीय लोग पिलर संख्या 436 के समीप सीताखोला के पास मंदिर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। नो मेंस लैंड पर अतिक्रमण की खुफिया सूचना के बाद पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज एसडीएम धनंजय कुमार अधिकारियों की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने नेपाली अधिकारियों के साथ बैठक कर अतिक्रमण हटवाया। एसएसबी के जवान बॉर्डर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। भिखनाठोरी बॉर्डर पर कई बार विवाद की स्थिति बन चुकी है। दोनों देशों के लोगों के बीच कई बार मामला मारपीट तक पहुंच चुका है। वर्ष 2005 से 6 में भी यहां विवाद हुआ था। पिलर संख्या 483 के बगल में नेपालियों ने एसएसबी का कैंप नहीं बनने दिया था। कैंप वाले स्थल पर माओवादियों ने रातोंरात नेपाली झंडे लगा दिए थे। पैमाइश के लिए दोनों देशों की सर्वे टीम बुलानी पड़ी थी। पानी को लेकर भी यहाँ कई बार विवाद हो चुका है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि 24 फरवरी से यूक्रेन से रूस में 10 लाख से अधिक लोगों को निकाला गया है। इन आंकड़ों में 1 लाख से अधिक विदेशी और डोनेट्स व लुहांस से निकाले गए लोग शामिल है जो रूस समर्थित क्षेत्र है। इन दोनों क्षेत्रों को रूस ने 2 महीने पहले बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू करने से कुछ दिन पहले मान्यता दी थी। कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों से नागरिकों को निकालने का प्रयास जारी है जिसमें मारियोपोल का दक्षिणी बंदरगाह इलाका भी शामिल है। यहाँ दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लावरोव ने कहा कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो यूक्रेनी संकट को हल करने में वास्तव में रुचि रखते हैं तो उन्हें क्यू को हथियार भेजना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्यू के लिए सार्वजनिक रूप से समर्थन व्यक्त करके नाटो देश राजनीतिक समझौतों के माध्यम से ऑपरेशन को समाप्त करने से रोकने का काम कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच लड़ाई 67वें दिन में प्रवेश कर गई है। अमेरिकी अधिकारी के अनुसार यूक्रेन के मजबूत प्रतिरोध के कारण रूसी आक्रमण धीमा हो गया है। वही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने मॉस्को पर डोनबास और वहां रहने वाले लोगों को नष्ट करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लगातार क्रूर बमबारी बुनियादी ढांचे और आवासीय क्षेत्रों पर लगातार रूसी हमलों से पता चलता है कि रूस सभी लोगों को इस क्षेत्र को खाली कराना चाहता है। इसलिए हमारी भूमि की रक्षा, हमारे लोगों की रक्षा, यह हमारे जीवन की लड़ाई है। चीन में मेडिकल पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों को अपना कोर्स पूरा करने के लिए वापस चीन जाने का मौका मिल जाएगा। चीन के विदेश मंत्रालय के ऐलान के बाद चीन स्थित भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। दरअसल 2020 की शुरुआत में कोरोना फैलने के बाद बड़ी संख्या में मेडिकल छात्र भारत लौट आए थे, लेकिन उसके बाद से चीन ने वीजा निलंबित कर दिए थे। तब से ये छात्र भारत में ही रह रहे हैं तथा ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे थे, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई में सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई से काम नहीं चलता है तथा इसे मान्यता भी नहीं है। पिछले महीने 25 मार्च को जब चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए थे तब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मजबूती से इस मुद्दे को रखा था।
हाल में चीन ने श्रीलंका के छात्रों को इस प्रकार की सुविधा प्रदान की है, जिस पर एक दिन पहले ही विदेश मंत्रालय ने कहा था कि जब श्रीलंका के छात्रों की वापसी हो रही है तो भारतीय छात्रों को भी यह सुविधा मिलनी चाहिए। चीन ने कहा है कि भारतीय दूतावास उन छात्रों की एक सूची उन्हें सौंपे जिनका पढ़ाई पूरी करने के लिए चीन आना जरूरी है। चीन सरकार संबंधित विभाग या विश्वविद्यालय से पुष्टि करेगी और छात्रों को अनुमति प्रदान करेगी। भारतीय छात्रों के लिए चीनी विदेश मंत्रालय ने एक लिंक भी साझा की है जिस पर वे गूगल फॉर्म के जरिए अपना ब्यौरा भर सकते हैं। सभी छात्रों को 8 मई तक इसे भरने की सलाह दी गई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि चीन में कोरोना की मौजूदा स्थिति में भारतीय छात्रों को इससे जुड़े खर्चों को खुद ही वहन करना होगा। 2 माह से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन यूक्रेन जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। रूसी हमलों से यूक्रेन में भारी तबाही हुई है, इसकी ताजा तस्वीरें देख दुनिया हिल उठी है। यूक्रेन के हालात को लेकर जब अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान के प्रवक्ता जॉन किर्बी से सवाल किया गया तो उनका दर्द छलक पड़ा। रुंधे गले से उन्होंने यूक्रेन की जनता की पीड़ा को शब्द दिए। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर निशाना साधते हुए किर्बी ने कहा कि यूक्रेन की कुछ तस्वीरों को देखना और कल्पना करना मुश्किल है कि कोई भी अच्छी सोच वाला गंभीर और परिपक्व नेता ऐसे हमलों की इजाज़त देगा। उन्होंने कहा कि मैं पुतिन की साइकोलॉजी तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन यूक्रेन में उन्होंने व उनकी सेना ने जो किया है वह देखना सामान्य इंसान के लिए मुश्किल है। इसी क्रम में बताया गया कि नाटो की ओर से यूक्रेन को 33 अरब डॉलर की मदद दी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन में रूसी हमलों और हुई तबाही से निपटने के लिए अमेरिकी संसद से भी यूक्रेन की मदद के लिए गुहार लगाई है। नाटो सदस्य यूक्रेन की तबाही से विचलित है और इसे फिर से खड़ा करने के लिए प्रतिबद्ध भी। मदद का सिलसिला जारी है। भीषण तबाही का फौरी आकलन संभव नहीं। अभी बेहतर होगा कि हम सब मिलकर यूक्रेन के साथ खड़े हो। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग और विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन ने अपने मलेशियाई समकक्षों से कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले भारतीय मूल के मलेशियाई तस्कर नागेंद्रन धर्मलिंगम को उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत मौत की सजा दी गई है। मलेशिया की सरकारी समाचार एजेंसी बर्नमा ने बताया कि मलेशिया के प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब और विदेश मंत्री सैफुद्दीन अब्दुल्ला ने इस सप्ताह अपने सिंगापुर समकक्ष को पत्र भेजकर धर्मलिंगम की मौत की सजा पर विचार करने और इसे कम करने के लिए कहा था। अदालत ने धर्मलिंगम की मां की अंतिम अपील खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसे मौत की सजा दी गई। 2009 में धर्मलिंगम को ड्रग्स की तस्करी में गिरफ्तार किया गया था। उसके पास 42.72 ग्राम हीरोइन मिली थी। 2010 में उसे दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। जांच एजेंसियों ने बताया था कि जब वह सिंगापुर में प्रवेश कर रहे थे तो वुडलैंड्स चेक पॉइंट के पास उनकी जांग के पास नशीले पदार्थों के बंडल मिले थे। नागेंद्रन धर्मलिंगम का परिवार 2010 से ही अदालत में अपील कर रहा था। दुनिया के कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भी बचाने की कोशिश की थी। मौत की सजा के विरोध में काम करने वाले एंटी डेथ पेनल्टी एशिया नेटवर्क समेत दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों की मदद से यह परिवार धर्मलिंगम की रिहाई के लिए लड़ रहा था। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज़। नमस्कार।